Well, someone has 100 sixes now, and no surprise, it's Chris Gayle. दोस्तों आज एलिमिनेटर मुकाबला है हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में। तो हैदराबाद और बेंगलोर में से जो भी टीम आज हारेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी खिताब की दावेदारी से बाहर हो जाएगी। और हैदराबाद और बेंगलोर में किस टीम के जीतने की संभावना है ये बताने से पूर्व में कल जो मुकाबला हुआ था, जो क्वालिफायर मुकाबला था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो कल जो क्वालिफायर मुकाबला था मुंबई और दिल्ली के बीच में, तो दोनों ही टीमों को कल मौका था फाइनल में डायरेक्ट पहुँचने का। तो दिल्ली कल हार का सामना करना पड़ा दिल्ली को, तो मुंबई को सीधा प्रवेश मिल गया है। कल मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया था। तो कल का जो मुकाबला था बड़ा ही दिलचस्प था, रोचक था। तो काफ़ी कुछ समानताएं थी दोनों की पारियों में। तो कल दुबई का बड़ा स्टेडियम, वहां पर मैच खेला गया और दिल्ली की टीम ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग ली और मुंबई को पहले खेलने का मौका दिया। और ये जो खेलने का मौका इसलिए दिया था कि मुंबई जो स्कोर करेगी उसका हम अच्छी तरह से समझ के उसी हिसाब से खेल करके और हम स्कोर का पीछा करके हम उसका आसानी से हम मुंबई को हरा सकें। लेकिन उल्टा हो गया। हालांकि शुरुआत तो जिस तरह से दिल्ली ने सोचा होगा वही हुआ। तो मुंबई की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही। रोहित शर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए, तो उनको एक बड़ी सफलता मिली थी। क्वांटम डीकॉक ने रोहित शर्मा के आउट होने से कोई भी और ज़्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारना शुरू किए और 25 बॉलों में 40 रन तक स्कोर ले गए, यानी 4 ओवरों में 50 रन के स्कोर कर दिया था। और सूर्य कुमार अच्छा खेल रहे थे, 51 रन बनाए 38 गेंदों में। ईशान किशन 55 30 गेंदों में। कैरोन पोलार्ड कल कुछ नहीं कर पाए, शून्य पर आउट हो गए। कुणाल पंड्या 13 रन, लेकिन जो अंतिम ओवरों में जो 3 ओवर थे, 17 ओवर तक मुंबई ने मात्र 145 रन बनाए थे, लेकिन जो 3 ओवर में 55 रन बनाई वही मुंबई की जीत का श्रेय जो हार्दिक पंड्या को जाता है, जिन्होंने ताबड़तोड़ बहुत फास्ट 14 बॉलों में 37 रन बनाए जिसमें 5 छक्के शामिल थे। तो कुणाल पंड्या का बहुत बड़ा योगदान रहा कल मुंबई की जीत में। और जो 200 रन का एक स्कोर था जो, वो दिल्ली के लिए एक मानसिक दबाव लेकर आया और यही कारण था कि शून्य पर 200 रन का इतना दबाव था। जब पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम के शून्य पर 3 विकेट चले गए। पृथ्वी शो लगातार ये 7-8 मैचों में फ्लॉप गए, तो ये कल भी शून्य पर आउट हो गए। शिखर धवन भी कल शून्य पर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे भी शून्य पर आउट हो गए और 20 रन तक आते आते दिल्ली का चौथा विकेट भी चला गया। तो इस तरह से बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन मार्कस स्टोनिस आए तो उन्होंने कुछ दिल्ली की स्थिति को संभाला। लेकिन ऋषभ पंत आउट होने के बाद दिल्ली की स्थिति खराब और ज़्यादा हो गई और ऋषभ पंत मात्र 3 रन बना के आउट हो गए। तो 65 रन बनाए मार्कस स्टोनिस ने 46 गेंदों में, 8 चौके और 3 छक्के लगाए। अक्षर पटेल ने बखूबी साथ दिया, 45 रन 33 गेंदों में और 2 चौके 3 छक्के लगाए। तो 143 तक दिल्ली को पहुंचा दिया था। 15 रन का योगदान रवाड़ा ने भी दिया था। तो इस तरह से कल 47 रन से दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। कल मैच शुरू होने से पूर्व मैंने कल कहा था कि दिल्ली की टीम को बुमराह और टेंट से सावधान रहना होगा। बैटिंग तो ठीक है, कुछ खिलाड़ी ज़्यादा फ्लॉप है मुंबई के अच्छे खिलाड़ी होने के, लेकिन फॉर्म में नहीं है। लेकिन उनके बॉलर हैं ना, मुंबई के बड़े फॉर्म में हैं, उसमें जो हम बात करें खासकर बुमराह और टेंट की, तो मैंने कहा था इनसे सावधान रहेगी अगर टीम, तो दिल्ली की टीम जीत लेगी। लेकिन उन्होंने कोई सबक नहीं लिया कल और बुमराह के ओवरों में रन बनाने की कोशिश की और बुमराह विकेट लेते गए। इस तरह से बुमराह ने कल 4 ओवर डाले, 14 रन देकर 4 विकेट लिए। कुणाल पंड्या ने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया और टेंट ने 2 ओवर में 1 मेडन 9 रन देकर 2 विकेट लिए। तो इस तरह से पूरी टीम को बुमराह और टेंट ने ढाके रख दिया था। तो दिल्ली को कल इसलिए हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की टीम के लिए मैंने बोला था अगर पृथ्वी शो काफ़ी दिनों से फ्लॉप चल रहे हैं, तो लेकिन शिखर धवन इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर ये आउट नहीं हुए
तो मुंबई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने शिखर धवन को शून्य पर विदा करके और अपनी जीत के लिए एक रास्ता बना लिया था। तो दिल्ली की टीम बल्लेबाजी भी तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं थी। खासकर हम बात कर रहे हैं, आर आश्विन ने जरूर 4 विकेट लिए 4 ओवर 29 रन देकर, बाकी कोई बॉलर प्रभाव नहीं छोड़ पाया। तो स्टोनिस ने 1 ओवर डाला था, 5 रन देकर 1 विकेट लिए थे। तो अब क्या होगा कि मुंबई सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है, दिल्ली को एक मौका और मिलेगा। आज जो हैदराबाद और बेंगलोर की टीम के बीच मैच है, तो आज एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी जो भी टीम हारेगी, और आज जो जीतेगी बेंगलोर या हैदराबाद तो उसको दिल्ली से मुकाबला कल होगा, और उसमें से जो जीतेगा वो मुंबई से फाइनल का मुकाबला करेगा। तो दिल्ली के लिए मौका है, लेकिन हैदराबाद बेंगलोर के लिए आज अंतिम मौका है, जो भी टीम हारेगी और वो बाहर हो जाएगी। तो एक टीम का बाहर होना आज निश्चित है। तो अब हम बात करें इन दोनों टीमों की, तो ताकत क्या, हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज, खासकर हम लास्ट अंतिम 3 मैचों में जो बल्लेबाजी की है वो ही बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की हैदराबाद की टीम ने, डेविड वार्नर और जो रिद्धिमान साहा हैं, तो उन्होंने पिछले मैच में आउट नहीं हुए थे और 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। मनीष पांडे बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, केन विल्मसन, अब्दुल समद, प्रियाम गर्ग और जैसन होल्डर, राशिद खान की क्या बॉलिंग हो रही है, बहुत गजब के बॉलर हैं, शाहनवाज नदीम, संदीप शर्मा और टी नटराजन, बहुत ज़बरदस्त टीम। मतलब ज़बरदस्त इसलिए है कि फॉर्म में आ गए, शुरुआत में ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे। और बेंगलोर की बात करें, खिलाड़ी काफ़ी अच्छे होने के बावजूद खिलाड़ी जिनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो फॉर्म से बाहर हैं। अभी हम खासकर बात करें एवीडी विलियर्स और विराट कोहली, दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म से बाहर चले गए, तो ये बेंगलोर के लिए थोड़ा मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। और जो इनके नए जो ओपनर आए हैं, खासकर तीसरा मैच आज खेलेंगे जोसेफ फिलिप, तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाए, और आज अगर जीतना है तो ज़्यादातर भरोसा देवदत्त पाड़ी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रन बना रहे हैं, इन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। विराट कोहली अगर चल गए तो बेंगलोर की जीत आसान हो जाएगी। और ए बी डी विलियर्स को सहयोग मिला थोड़ा, मोइन अली, शिवम दुबे बहुत अच्छे हैं, क्रिस मॉरिस और वाशिंगटन सुंदर भी हैं। तो और गेंदबाजी हम बात करें तो नवदीप सैनी बहुत अच्छे बॉलर हैं, शाहनवाज अहमद और यजवेंद्र चहल, इनके ऊपर नजरें रहेंगी। तो कुल मिला के हम बात करें तो पल्ला कहीं ना कहीं मेरे को हैदराबाद का भारी नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि आज का मैच मेरी नज़र में हैदराबाद के जीतने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कि नहीं कि खिलाड़ी हैदराबाद के अच्छे हैं, नहीं, खिलाड़ी तो लगभग बराबर है इस तरह के हैं। मैं कहूँ कि बेंगलोर की टीम में थोड़े से अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन फॉर्म से बाहर हैं, चाहे विराट कोहली, एवी डी विलियर्स, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, वाशिंगटन सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, नवदीप सैनी, खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्म अगर होती तो मैं बेंगलोर के साथ जरूर जाता। लेकिन जो लगातार 3 मैच जीती है जिस अंदाज में हैदराबाद, उससे मुझे कुछ अंदाज लग रहा है कि हैदराबाद के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। खासकर हम डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ने जो पिछला मैच खेला था, मनीष पांडे, तो आज मुझे लग रहा है कि हैदराबाद जीत करके सीधा फाइनल का टिकट उनको मिल सकता है। और आपकी राय क्या हो सकती है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हो सकता है आपकी राय मेरी राय से जुदा हो, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज देखिएगा मैच 7:30 बजे शुरू होगा, कौन जीतेगा, मेरी राय में हैदराबाद का पलड़ा तो थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। टॉस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है आज, मुझे नहीं लगता कि आज, क्योंकि आबू धाबी में टॉस की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर टीमें थोड़ा संभल कर खेलें और अगर पहले बैटिंग मिलती है तो एक संतुलित तरीके से विकेट बचाते हुए 15 ओवर तक अगर विकेट बचाते हुए 100, 110, 120 रन कर लें तो काफ़ी होगा। लास्ट के जो 5 ओवरों में 70-80 रन तक बन सकते हैं, तो 200 तक पहुंच सकता है स्कोर। और अगर मान लो विपक्षी टीम को रोकना हो तो 160-165 तक अगर रोक लेती है तो जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो टॉस की यही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि अगर मान लो टॉस जीत जाए तो मुझे लगता है कि शायद पहले बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दबाव नहीं आता है। और अगर हम बाद में बैटिंग करें तो एक बड़ा स्कोर अगर टीम दे के छोड़ के जाए तो एक दबाव बल्लेबाज महसूस करते हैं, जैसे कल दिल्ली ने महसूस किया था, अच्छी टीम, अच्छे खिलाड़ी भी उस दबाव के आगे आउट होते चले गए थे। तो दबाव से बचने के लिए पहले बैटिंग करना बड़े मुकाबलों में ठीक रहता है, तो जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिएगा आज का मुकाबला, और कल फिर आऊँगा आज के मैच की समीक्षा और जो कल मैच होगा उसका पूर्व अनुमान लेकर के। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
Well, someone has 100 sixes now, and no surprise, it's Chris Gayle.